सी कमेटी और सभी सभी के जानिब से हम उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक मैच का जो मैन ऑफ द मैच टी शर्ट और ट्रॉफी सुबान कोकणी टी शर्ट जो है सुबान कोकणी इनके जानिब से योगदान दिया जा रहा है हर एक मैच का, इनका भी हम शुक्रिया धन्यवाद अदा करते हैं। यह जो बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित किया है ग्राउंड सिद्धन्ना निच्चल और सिद्धराम तांबे इनके जानिब से ग्राउंड खेलने के लिए जो है अनुमति भी दी गई है। ग्राउंड इसका जो हमें इसमें इनका ताउन किया गया है उनको भी हम सारे कमेटी के मेंबर्स और जो खिलाड़ी उसके साथ साथ जो प्रेक्षकों के तरफ से उनको भी धन्यवाद अर्पित करते हैं जो बेहतरीन ग्राउंड के लिए उनका योगदान रहा है। दूसरा सेमीफाइनल कुछ ही लम्हों में शुरू होने जा रहा है। नूरानी सीसी बनाम दुलकेड सीसी के बीच में दूसरा सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल हो चुका है। अब इसके बाद आंखों देखा हाल आपके सामने बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं कमेंट्री बॉक्स में 018 के नाम से प्रसिद्ध अली साहब नाइकोड़ी, स्वागत है आपका। शुक्रिया हमारे भाई जो अब्दुल्ला भाई का जो कि बेहतरीन अंदाज में अभी तक का जो हाल बताए। संगमेश बगली हैट्रिक विकेट लेता 1000 रुपए। मराठी में लिखना था ये, मराठी में लिखो, मैं यहाँ लिखो इसके पर, यहाँ लिखो नीचे। और इस बीच यहाँ पर जो कि ऑलरेडी एक सेमीफाइनल मैच हो चुका है जिसमें जामिया अतने जो फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर अभी दूसरा सेमीफाइनल मैच अभी चलता हुआ जो कि नूरानी सीसी वर्सेस दुड़केड़ इनके बीच मुकाबला चलता हुआ। नूरानी सीसी ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है और दुड़केड़ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है और सलामी बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर है और उतना ही अच्छा हल्का सा ढकेल दिया वहां पर एक रन के लिए और वहां पर जो स्ट्राइक पर है हैट्रिक विकेट लेने पर गंगाधर नाटेकर उनके तरफ से 5001 रुपए इनाम और ताज होटल बाबा के तरफ से भी 1000 रुपए इनाम है। और इस बीच वाइड का इशारा होता हुआ एक अतिरिक्त रन आता हुआ इसके साथ ही दुड़केड़ क्रिकेट क्लब का यहां पर खाता खुलता हुआ एक रन। अरुण पटेल और उतनी अच्छी आसिफ सर की कीपिंग और उतने अच्छे स्टंपिंग और वाइड इस बीच काफी अच्छी कीपिंग करते हुए आसिफ सर उतना ही अच्छा स्टंपिंग करते हुए और वाइड करार दिया गया है। इस पूरी मैच में और खाली अरुण पाटिल को 3 छक्के 3 चौके मारे थे भी 1000 रुपए और यहाँ पर फिर से रन अप लेते हुए और उतनी अच्छी फील्डिंग करते हुए अरुण पटेल अपना खाते खोलते हुए एक रन के साथ और टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 2 रन। ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ जो दुड़केड़ क्रिकेट क्लब पर शेष फिर से यहां पर जिसकी चाबी गुम हुई थी वो उन्हें मिल चुके हैं और अब स्ट्राइक पर है कृष्णा सातपुते जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते देखते हैं और उतनी अच्छी गेंद वहां पर लेकिन राजू नदाप काफी अच्छा प्रयास करना चाहते थे लेकिन गेंद काफी दूर थी उनसे। एक बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं राजू नदाप और इस एक चौके के साथ कृष्णा सातपुते अपना खाता खोलते हुए
ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರ ಅಲ್ರಿ ಒಂದೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಒಂದ್ರ ಪೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾರೇ ಹೊಡ್ಲಿ मत्तु नदाप यहाँ पर फर्स्ट छक्का जो भी लगाएंगे उन्हें 501 रुपया इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पर संकेत भाई बगली उनके तरफ से भी, और यहाँ पर फर्स्ट छक्का लगा चुके हैं और कृष्णा सातपुते इसके इनाम के हकदार बन चुके हैं। और यहाँ पर संकेत भाई बगले उनके तरफ से हैट्रिक विकेट लेने पर भी 1000 रुपये इनाम रखा गया है। और गंगाधर नाटेकर उनके तरफ से 5000 इनाम रखा गया है। और ताज होटल बाबा उनके तरफ से भी 1000 रुपये हैट्रिक विकेट पर। और अरुण पाटिल को यहाँ पर 3 फोर या 3 छक्के लगाने पर संगमेश बगले उनके तरफ से 2000 रुपये इनाम रखा गया है। और इस बीच बेहतरीन विकेट लेते हुए यहाँ पर काफी जो कि कृष्णा सातपुते का विकेट लेते हुए काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर प्रथमेश जो कि बेहतरीन विकेट लेने में सफल रहे। और जो भी यहां पर कैच मैदान में लेंगे उन्हें गंगाधर नाटेकर के तरफ से 200 रुपये इनाम रखा गया है। और अभी अभी जो विकेट लिए वाहिद मकानदार उनके तरफ से उन्हें 500 रुपये इनाम दिया जाता है। कृष्णा सातपुते का विकेट लिए वो मैच के बाद ही मिलेगा सबको, ध्यान रखे खाली फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नूरानी क्रिकेट क्लब की ओर से कृष्णा सातपुते का विकेट लेने में सफल रहे। फिर से अगली गेंद और उतना ही अच्छा हल्का सा ढकेल दिया वहां पर जब तक कि विनोद फील्डर आकर गेंद को फील्ड करे, 1 रन दौड़कर पूरा किया। और उतनी अच्छी वहां पर बैकअप करते हुए जो कि आशिफ सर काफी अच्छी कीपिंग करते हैं। और ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक विकेट के नुकसान पर 14 रन यहां पर दुर्गेट क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन। संगमेश सर बगली उनके तरफ से यहां पर 1000 रुपये इनाम रखा गया हैट्रिक विकेट पर। और गंगाधर नाटेकर उनके तरफ से 5000 रुपये हैट्रिक विकेट पर इनाम रखा गया है। और ताज होटल बाबा उनके तरफ से 1000 रुपये इनाम रखा गया है हैट्रिक विकेट पर। हाँ, और यहाँ पर इसके आगे की जो कमेंट्री करेंगे हमारे साथीदार शहनशाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 0-18 का। इसी के साथ पारी की शुरुआत चलते हुए धीमी गति से पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ इसको जब पहुंचे 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे डैशिंग अंपायर की इशारा और पर यहाँ पे 6 रन बताते हुए DJ ने 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और इस प्राइज को देने वाले महान व्यक्ति शुभ अगली जिन्होंने 1 लाख रुपए जो पहला प्राइज दिया है उनका बहुत बहुत स्वागत है। और कमेटी की जानिब से नूरानी कमेटी की जानिब से 50,001 रुपए का इनाम घोषित किया गया। और तीसरा और चौथा देने वाले जो महान व्यक्ति हैं शटप्पा शिवपुर जिन्होंने तीसरा और चौथा बहुमान दिया है। और साथ ही साथ यूट्यूब को देने वाले जो महान व्यक्ति हैं मुस्ताक नाइकोड़ी कोहिनूर ज्वेलर्स और उसके साथ ही साथ और मुस्ताक नाइकुड़ी के साथ शिवानंद कुड़िगनूर जिन्होंने यूट्यूब के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। और साथ ही साथ ट्रॉफी देने वाले डी अंडर के आनंद पवार और गंगाधर कंबार उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जो इस प्रति मैच में जो एक टी शर्ट का मैन ऑफ द मैच देने वाले SK सुबान यूनिक उनके जानिब से स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है जिन्होंने
इस मैदान को खेल के लिए दिया है। सिद्धू निचाल का भी बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने इस ट्रॉफी के लिए जो अपनी जगह, जो अपनी लैंड, इस क्रिकेट ट्रॉफी के लिए योगदान दिया, महा जो बहुत बड़ा योगदान दिया सिद्धू निचाल का भी। इस कमेटी की जानिब से खुशामदीद स्वागत किया जाता है सिद्धू निचाल का। और इसी के साथ 23 रन एक विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ दुलकेट सिसी का। और यहाँ पे अरुण पाटिल के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, 3 हैट्रिक सिक्स लगाने पर 1000 रुपए का शंकर कामड़े के जानिब से उच्च पतलवर के जानिब से दिया जा रहा है अरुण पाटिल के लिए। अरुण पाटिल ने जब तक एक रन मुकम्मल करते हुए इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 24 रन एक विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ राखा के रूप में, काफी अनुभवी गेंदबाज राखा बहुत दिनों के बाद इस मैदान में दिखते हुए। हैट्रिक बोल्ड लेने पर मोहम्मद शिकलगार ताज होटल, जिन्होंने 3 बोल्ड लेने पर 2001 रुपए का इनाम रखा गया है। बहुत ही शानदार गेंद, उतने ही सूझबूझ की पारी की शुरुआत चलती हुई बीच मैदान में। राका बहुत ही शानदार अपनी अनुभवी गेंदबाजी करते हुए इस मैदान में स्ट्राइक पर आए, उतने ही हार्ड हिटर प्रसिद्ध माने जाने वाले कृष्णा सातपुते, माफ करें कृष्णा पवार, नट आउट। एम्पायर का इशारा आता हुआ सूझबूझ, काफी अनुभवी ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का रुका हुआ इसको जा पहुंचा 24 रन एक विकेट के नुकसान पे नूरानी सीसी की, उतनी ही बेहतरीन राका की गेंदबाजी चलती हुई, काफी अनुभवी गेंदबाजी, उतनी बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हुए आसिफ सर। और जो आज के खाने का जो ताउन देने वाले महान व्यक्ति, जिन्होंने 5 दिन तक खाना दिए, उनका भी कमेटी की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। पहले जो देने वाले थे जब्बर अरब, दूसरे देने वाले थे सलीम शेख, जो तीसरे देने वाले थे वाहिद मकानदार, जो चौथे देने वाले थे जक्कप्पा पुजारी, जो आज जो देने वाले हैं अबू भाई ग्यास, उनके साथ ही साथ दिवंगत शिवपुत्र पश्रकन हल्ली, इन्होंने आज जो खाने का आम तौर पर इनाम दिया गया है। और आज हैट्रिक विकेट जो कोई भी लेगा, नूरानी ऑटोमोबाइल्स महबूब भाई जागीरदार उनके जानिब से 1000 रुपए का इनाम रखा गया हैट्रिक विकेट लेने पर। और हैट्रिक विकेट लेंगे तो गंगाधर नाटीकार के जानिब से 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अरुण पाटिल 3 छक्के लगाने पर अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट, अतिरिक्त आते खराब गेंदबाजी अरुण पाटिल के लिए। 3 छक्के लगाने पर शंकर कांबळे और उच्चप्पा तलवार की जानिब से 1000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और संगमेश पाटिल के जानिब से भी 3 छक्के लगाने पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। फिर से एक बार दूर वाले चोर से प्रथमेश, अभी स्ट्राइक पर है कृष्णा पवार, अपना पावर किस तरह यहां पे दिखाते हैं देखना लाजमी है, जरूरी है। अपने बल्ले से काफी सूझबूझ के गेंदबाजी प्रथमेश की, शायद ज्यादा ही अनुभवी ऐसे लग रहे हैं मुझे, काफी एज में कम है, उतना ही टैलेंट कुट कुट भरा हुआ इन गेंदबाजी के अंदर। संगमेश बगली के जानिब से अरुण पाटिल के लिए हैट्रिक सिक्स लगाने पर या 4 लगाने पर 2000 रुपए का इनाम। उठाकर मारा है उतनी चुस्त और चालाक था, उसे जब तक फील्ड करता है एक रन मुकम्मल होता हुआ। पारी की शुरुआत 3 ओवरों के साथ चलती हुई तीसरा ओवर प्रगति पर है, अभी भी टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 28 रन एक विकेट के नुकसान पर। कृष्णा सातपुते अपना विकेट
थमाकर पवेलियन लौट गए। इस टीम के जो दीवार कहलाने वाले कृष्णा सातपुते जिन्होंने अपना कीमती विकेट गवाकर पवेलियन लौट गए हैं। फिर से एक बार दूर वाले छोर से प्रथमेश, एम्पायर का इशारा वाइड है, तब वह अपने हाथों को फैलाते हुए कॉमेंट्री बॉक्स में हाथ दिखाते हुए 21 एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 29 रन लॉस ऑफ वन विकेट। फिर से एक बार प्रथमेश की शॉर्ट ऑफ डिलीवरी पे उतने ही बेहतरीन कैच राका। राका की जितनी भी तारीफ करे वो कम है। संतोष लाड जिन्होंने अरुण पाटिल के स्पेशली एक बुमान रखा गया है, 3 छक्के लगाने पर 2000, चौके लगाने पर 1000 और 50 लगाने पर 1000, ये स्पेशली अरुण गौड़ा पाटिल के लिए संतोष लाड की जानिब से। टाकरी महाराष्ट्र स्ट्राइक पर है हनुमंत, कृष्णा पवार की जगह लेने आए हैं। काफी अनुभवी एम्पायर का ईश्वर वाइड आता हुआ सोमोगोड़ा पाटिल दुलखेड़, 3 सिक्सर लगाने पर 1001 रुपए का इनाम। हैट्रिक जब्बार मिस्त्री दुलखेड़, 3 छक्के लगाने पर 2001 रुपए का इनाम। कोई भी लगाए। प्रथमेश की गेंदबाजी में उतना ही बेहतरीन छोटे कद के खिलाड़ी अपना चमत्कार दिखाते हुए अपने बल्ले से 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। हनुमत आते ही 6 रनों से खाता खोलते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को पवेलियन में लौट आया। कॉमन कॉमन लेट्स सेलिब्रेट। हैट्रिक 6 लगाने पर और एक हनुमंत का विकेट गिरता हुआ प्रथमेश के गेंद पर। हैट्रिक 6 लगाने पर शंकर कांबड़े की जानिब से 1001 रुपए का इनाम घोषित किया गया और उसके साथ ही साथ राजू आलूर इन्होंने भी 501 रुपए का इनाम रखा गया हैट्रिक 6 लगाने पर। और हैट्रिक विकेट लेंगे तो भी 500 रुपए का इनाम रखा गया है। तौशिप कुडले ब्लॉक कांग्रेस माइनॉरिटी अध्यक्ष दुलखेड़, इन्होंने अरुण पाटिल के लिए 3 छक्के लगाने पर 1000 रुपए का इनाम रखा गया है। जो भी देने वाले जो बहुमान या कुछ भी आपसे गिफ्टेड जो बख्शीश देने वाले हजरा से मेरी विनती है अपनी एक लिफाफे में और एक चिट्ठी में लिख के नाम और उसके साथ पैसे लेकर आकर कमेटी में दें तभी अनाउंस होगा। आप आएंगे या सिर्फ नाम बोलेंगे तो नहीं चलेगा, एक लिफाफे में लिख कर पैसों के साथ यहाँ पर लाएं जब हम लोग अनाउंस करेंगे। राजू आलूर हैट्रिक विकेट, हैट्रिक 6 लगाने पर 500 रुपए का इनाम हमारे पास आया है उनका। जो कोई भी हैट्रिक विकेट हैट्रिक 6 लेगा राजू आलूर की जानिब से 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया, वो कमेटी के पास आकर जमा हो चुका है। आए हैं राका अपने कोटे का दूसरा, टीम के जानिब चौथा ओवर लेकर दूर वाले चोट से बाहर की गेंद थी अरुण पाटिल
मारने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, फर्स्ट स्लिप में जब संतोष आलूर वहां पे फील करते, एक रन चुरा कर भागते हुए अरुण पाटिल, इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचे 37 रन, चौथा ओवर प्रगति पर है। मोहम्मद यस शिकलगार ताज होटल, तीन बोल्ड लेने पर, सिर्फ तीन बोल्ड लेने पर 2001 रुपए का इनाम, वो भी पहुंचा है यहाँ पे कमेटी के पास। उतनी बेहतरीन गेंद राखा की, राखा एक विकेट लेंगे तो आशपा कोकणी की जानिब से 200 रुपए का इनाम रखा गया है। एक विकेट लेने पर राजू हेस्कॉम उनके जानिब से हैट्रिक विकेट, हैट्रिक सिक्स लेने पर 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, वो कमेटी में आकर जमा हो चुका है। ऐसे ही आप भी देना होगा तो कमेटी में आकर लेकर कर दे, तभी अनाउंस होगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, काफी अनुभवी गेंदबाजी राखा के द्वारा देखने को मिल रही है। शंकर अन्ना कामले जिन्होंने हैट्रिक सिक्स लगाने पर अरुण के लिए 1001 रुपए का इनाम घोषित किया गया। राखा की उतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, रमेश के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, ऑफरों की बरसात आती हुई इस मैदान में, जो सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ दूसरा सेमीफाइनल, लोग पैसे तो लेके आ रहे हैं लेकिन एक छक्के पर लगाएंगे तो उनके लिए कुछ फायदा होगा, उनको पता है कोई हैट्रिक नहीं मारेगा पैसा जेब में बचेगा, ऐसे नहीं लगाना होगा तो प्रति छक्के पे लगाइए, आपका भी नाम होगा और गेंदबाज और बल्लेबाज का भी नाम होगा। एक सेकंड 43 और दो गेंदे शेष, बॉल दो, एक्स्ट्रा बॉल दो, एक्स्ट्रा बॉल बोले 43 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, अभी ओवर की दो गेंदें शेष, राजू एस्काम के जानिब से तीन छक्के लगाने पर 501 रुपया, तीन विकेट लेने पर 501 रुपए का इनाम रखा गया है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में राजू नदाफ फील करते, सिर्फ दो ही तीन मैचों में 50,000 से ज्यादा दर्शक इस मैच का आनंद लुप्त उठाते हुए और 2,000 से ज्यादा लोग इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं 24 लाइव इवेंट्स के जानिब से। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ओवर की समाप्ति कमेंट्स करने ना भूले। चार ओवर की समाप्ति, ऐसे जैसे कि मैंने अभी अभी कहा था, जब्बर मिस्त्री आए हैं कि हर छक्का लगाने पर अरुण पाटिल को 501 रुपए का इनाम रखा गया है जब्बर मिस्त्री के जानिब से, ऐसे ऑफर आना चाहिए तभी तो आपका नाम होगा, उनका भी कुछ फायदा होगा। और 44 चार ओवर की समाप्त के बाद तीन विकेट गिर चुकी हैं, 44 रन हो चुके हैं, 44 चार ओवर की समाप्ति के बाद तीन विकेट गिर चुके हैं, 44 रन्स। चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 44 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और इस
24 लाइव के जाने से हाईलाइट्स चलता, वाह वाह वाह, इतना बेहतरीन अंदाज में ये लाइव दिखाते हुए जितनी भी तारीफ करेगा मैं संदेश पाटिल सर की, जिन्होंने इंडी शहर में अपनी तरफ से जो लाइव यहाँ पे आयोजित किया बेहतरीन कैमरे के साथ, इतनी क्लैरिटी बताते हुए हाईलाइट्स भी बताते हुए अरुण पाटिल के लिए जब्बार मिस्त्री के बजाय से 501 रुपए का इनाम रखा गया है। स्पेशली अरुण पाटिल के लिए नदाब पान छाप, तीन छक्के लगाने पर और हुसैन नदाब की जानिब से 1000 रुपए का इनाम बख्शित, वो भी आ गया है। लगाएंगे तो आपको आएगा, नहीं तो उनके जेब में जाएगा। हाँ अभी बोलता हूँ मैं। और खाने का इंतजाम भी करने वाले आज की जो दिवंगत शिवपुत्र पशरकन अली साथ ही साथ अबू ग्यास, उनके जानिब से आज खाने का इंतजाम किया गया है। और इस ट्रॉफी के जो जगह देने वाले मालिक हैं सिद्धू निच्छाड़, जिन्होंने अपना जगह क्रिकेट के लिए घोषित किया गया है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजरिया इस मैदान पर, पांचवां ओवर प्रगति पर है। गौस आए हैं अपने कोटे का पहला, टीम के जानी पांचवां ओवर लेकर आए हैं। संगमेश्वर बगली उनके जानिब से तीन विकेट लेने पर 1000 रुपए का इनाम, कोई भी लेगा तो। और स्पेशली अरुण पाटिल के लिए संतोष लाड, तीन छक्के लगाने पर 2000, तीन फोर लगाने पर 1000, 50 लगाने पर 1000, टोटल 4000 उनके तरफ से। टाकली महाराष्ट्र, अरुण पाटिल का जो कोई भी विकेट लेगा वाहिद मकानदर के तानिब से 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। राजू एस्काम जिन्होंने तीन छक्के लगाने और तीन विकेट लेने पर 501 रुपए का इनाम रखा गया। फिर से एक बार गौस, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी गौस के द्वारा, सूझबूझ की गेंदबाजी, बहुत धीमी गति से पारी की शुरुआत चलती हुई मजबूती के साथ डटे हुए। कोई भी आवाज ना करे वो ऑटोमेटिक जाएगा, कोई भी हो उसको डिस्टर्ब ना करे, कोई भी आवाज ना करे, डोंट यार, क्राउड मत करे उसको जगह दे, जाने दो, क्राउड मत करे थोड़ा सा रास्ता दे दे, क्राउड मत करे भाई, वो फिर से मैदान में आएगा। पांच ओवर प्रगति पर चलता हुआ, टीम का अभी भी रुका हुआ इसको जा पहुंचा है 44 लॉस ऑफ 3 विकेट। ये क्रिकेट का रूल्स है, बल्लेबाज अपना बल्ला विकेटों पर मारकर पवेलियन लौट सकते हैं, बिना बैट छोड़े नहीं मैदान पे जा सकते। आपको चले जाना हो तो बल्ला विकेटों पर मारिए। आपको जाना हो तो विकेटों पर बल्ला मार कर जाएं, क्योंकि ये क्रिकेट का नियम है। फिर से एक बार उठाकर मारा है रमेश, यहाँ पे कैच लेते हुए गौस आती कॉटन बॉल, चौथा विकेट गिरता हुआ दुलकेट सिसी का। और जिनके रवि गौड़ा पाटिल दुलखेड़, जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे, जिन्हें आज हमारे बीच नहीं रहे, वो एक महान व्यक्ति थे, आज उनके भाई के लड़के अरुण पाटिल जो मैदान पर हैं, देखेंगे रवि गौड़ा पाटिल के जो भाई हैं अरुण पाटिल जो मैदान पर, जिन्होंने पिछले मैच में अपनी पारी की शुरुआत बहुत बेहतरीन किए थे, और जो आज जो मेरे आप्त मित्र शिव बगली जो मेरे चड्डी दोस्त थे, उनकी जो रवि गौड़े की उनको काफी मदद किए हैं शिव बगली के लिए। आते ही संजो नो बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर के द्वारा, नो बॉल का इशारा होता हुआ संजू के द्वारा मिसफील्ड होती हुई, बहुत ही सूझबूझ की
बहुत ही काफी अनुभवी हम फिर जेडी लाइन टच पैर के द्वारा गुड अंपायरिंग जेडी जिन्होंने काफी नजाए दिखाते हुए इस मैदान में फिर से एक बार गौस की अगली डिलीवरी गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेला है वहां पर क्षेत्र रक्षक जब तक फील्ड करते एक रन मुकम्मल होता हुआ इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 48 रन 48 रन खाने का इंतजाम किया गया है जिसे भी भूख लगी होगी तो वहां पे खाने का इंतजाम किया गया आप लोग वहां पे लंच कर सकते हैं खाना चालू हो चुका है नट आउट जो कोई भी अरुण पाटिल का विकेट लेगा और की समाप्ति वाहिद मकांदर के जानिब से 500 रुपए का इनाम रखा गया है 48 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद जो टॉप 10 बैट्समैन होने वाले विनोद इमरान उसके बाद तीसरे स्थान पर है सूरज चौथे स्थान पर विजय पांचवें स्थान पर चुदू गौड़ा छठे स्थान पर मुशाहिद सातवें स्थान पर है मुबाइक मुबारक आठवें स्थान पर है इरफान नौवें स्थान पर है कृष्णा सातपुते और एजाज कुरैशी 48 और टॉप 10 विकेट लेने वाले टेकर्स हैं पहले बिपिन जिन्होंने जामिया अथनी के 4 मैचों में 11 विकेटें दूसरे स्थान पर शेखर जिन्होंने 4 मैचों में 11 विकेटें रफीक तालीकोटी 4 मैचों में 7 विकेटें चिदू गौड़ा 4 मैचों में 7 विकेटें हुमायूं 3 मैचों में 5 विकेटें आकाश 3 मैचों में 5 विकेटें और सैबू हैं 2 मैचों में 4 विकेटें बिपिन फिर से एक बार संजू आए हैं बॉलिंग मार्ग पर अपने कोटे का पहला टीम की जानिब छठा ओवर लेकर अरुण के लिए स्पेशली संतोष लाड़ की जानिब से 3 छक्के लगाने पर 2000 3 फोर लगाने पर 1000 50 लगाने पर 1000 नदा पांच छाप और हुसैन नदा फुन के जानिब से 1000 रुपए का इनाम 3 छक्के लगाने पर अरुण पाटिल के लिए राजू आलू रुनो भी 3 छक्के लगाने पर 501 रुपए का इनाम स्कोर हो चुका है अभी भी 5 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ 48 रन 4 विकेटें गिर चुकी हैं मोहम्मद शिकलगार ताज होटल 3 बोर्ड लेने पर 2000 का इनाम अंपायर का इशारा तब वाइट इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 49 रन प्रति विकेट लेने पर अशफाक कोकणी उनके जानिब से 200 रुपए का इनाम हर विकेट पर 200 रुपए का इनाम अशफाक कोकणी के जानिब से अब आए हैं संजू दूर वाले चोर से बड़ा ही रनअप है इनका राम शिंदे कवर की दिशा में खेला है कोई भी फील्डर मौजूद नहीं गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार करते हुए 4 रन आज के जो बड़े ट्रॉफी जो देने वाले बड़ा योगदान 1,00,000 रुपए का महान व्यक्ति शिव बगली जिन्होंने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है आज शिव बगली और आनंद पवार जो जिस जगह पे हैं वो रवि गौड़ा पाटिल के जानिब से हैं वो स्थान आज जो जिनके पास जो हासिल है आनंद पवार और शिव बगली वो रवि गौड़ा के जानिब से ही आज वो इस मकाम पर है आते ही भटक टीवी लाइन डेड बॉल का इशारा एम्पायर का दिशाएं खोते हुए राम शिंदे जिन्होंने पिछले मैच में शानदार पारी की शुरुआत की थी आते ही दबाव डालते हुए संजू के ऊपर एक चौका लगाकर अभी भी स्ट्राइक पर आखिरी ओवर है ये इस इनिंग का 53 रन बन चुके हैं पारी की शुरुआत धीमी गति से चलती हुई इस ओवर में कितने रन बटोर सकते हैं राम शिंदे जिन्होंने मैंने जैसे ही तारीफ किया गेंद को सीधा सीमा रेखा पार करते हुए 6 रन पर का इशारा आता हुआ Come on, DJ, come on, celebrate, come on. राजू हैस्कॉम के जानिब से 3 छक्के लगाने पर 500
शंकर कामले इनके जानिब से भी 3 छक्के लगाने पर 1000 रुपए का इनाम रखा गया है अरुण गोड़ा पाटिल को। बहुत ही शानदार शॉट ऑफ डिलीवरी, फिर से एक बार अतिरिक्त आता हुआ अंपायर का इशारा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। बार बार दिशाएं भटकाते हुए और जो इस मैदान को देने वाले महान व्यक्ति सिद्धू निचल का भी यहां पे बहुत बड़ा स्वागत किया जाता है, जिन्होंने अपना जगह इस मैच के लिए दिया गया। ऐसे कोई नहीं रहते, काफी उनका भी बहुत बड़ा दिल है उनका। हैट्रिक 3 छक्के लगाने पर अयुब बागवानी एआरबी के जानिब से 1000 रुपए का इनाम घोषित। 3 छक्के लगाने पर स्लो गेंद, राम शिंदे ने मारने की कोशिश प्रहास, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए क्षेत्ररक्षक के दौरा जाते हुए 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 61 रन। आखिरी ओवर की शुरुआत चलती हुई संजू के दौरा, बड़ा ही रन अब लेते हुए स्ट्राइक पर अरुण पाटिल। जैसे ही मैंने तारीफ किया वैसे ही गेंद गई वन बॉम्ब्स 4 रन तौसीफ के ऊपर से। 3-4 लगाने पर भी संतोष लाड़ के जानिब से 1000 रुपए का इनाम रखा गया। संतोष लाड़ के जानिब से 3-4 लगाने पर अरुण पाटिल, रवि गौड़ टीम का बढ़ता हुआ इसको 65 रन। फिर से एक बार अच्छा सम्मान देते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट, रनआउट का खतरा हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा गुड रनिंग बिटवीन द विकेट ऑफ अरुण अरुण गौड़ा पाटिल को 3 चौके या 3 छक्के लगाने पर बहुत बड़ा ऑफर आया है, पैसों की बारिश होती हुई। हो गया कुछ फायदा नहीं है, आखिरी गेंद है इस ओवर की। फिर से एक बार अतिरिक्त आता हुआ बार बार दिशाएं भटकती हुई संजू, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 68 रन। 68 रन बन चुके हैं, आखिरी गेंद है। अरुण पाटिल है हार्ड हिटर, क्या कर सकते हैं आखिरी गेंद पर मारने की कोशिश अपील करते हुए। ओवर 69 रन तो बना चुकी है दुलकेड, 70 रनों का लक्ष्य दी है। जल्द से जल्द फील्ड को सजाएं, दुलकेड की टीम अंदर आए। हाँ, इसका है राजू हेस्कॉम के जानिब से 3 विकेट लेने पर 500 का इनाम रखा गया है। बैटिंग दुलखेड ने, अरुण पवार ने 12 रन बनाए, कृष्णा सातपुते ने 10 रन बनाए, कृष्णा पवार ने 11 रन बनाए, हनुमंत ने 6 रन बनाए, रमेश ने 7 रन बनाए, रामचंद्र ने 14 रन बनाए। पारी की शुरुआत 69 रन बनाई। शंकर कामले जिन्होंने हैट्रिक विकेट लेने पर 1000 रुपए का इनाम घोषित करार पाया है यहाँ पे। दर्शक खाने का इंतजाम किया गया है, खाने के लिए तशरीफ लेकर आए। शंकर कामले जिन्होंने हैट्रिक विकेट लेने पर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। शंकर कामले, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेक्षक आए, खाने का इंतजाम किया गया, खाना चालू है, खाने के लिए जल्द से जल्द जाएं। मैच भी प्रारंभ होने वाला है, मैच फाइनल को देखने के लिए खाना खाकर अपनी एनर्जी बढ़ाएं। जो जो लोग इस खिलाड़ियां कैच पकड़े हैं गंगाधर नाटीकार की जानिब से 200 रुपए का इनाम रखा गया, आप आकर लेकर जाएं।
मैच के लिए 1 लाख रुपए का बहुत बड़ा योगदान दिया है और साथ ही साथ प्रति मैच में और हर कॉमेंट्रेटर को शिव बगली के जानिब से 1,000 रुपए दिया गया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे यहाँ पे संदेश भाई पाटिल जिन्होंने कैमरा मैन करते हैं साल, उनको कोई भी पैसा नहीं दे रहा है, उन्होंने ने अपना पहला प्राइज घोषित किया गया 1 लाख, दूसरा प्राइज देने वाले नूरानी कमेटी 50,000, जो तीसरा और चौथा प्राइज देने वाले शटप्पा शिवपुर लाल संघ के प्रेसिडेंट, और उसी के साथ ही साथ जो मैनेजर मैच देने वाले रोजाना सुबान यूनिक, उन्होंने हर मैच में अपना टी शर्ट मैन ऑफ द मैच किया है। और उसी के साथ जो रोजाना खाने का इंतजाम दिया गया है तुम्हारे तरफ से, हाँ, और निसार भाई शेख के जानिब से कोई भी दर्शक कैच पकड़ेगा 100 रुपए का इनाम रखा गया है, कोई भी दर्शक कैच पकड़ेगा निसार भाई शेख उनके जानिब से 100 रुपए का इनाम। और रोजाना खाने का ताउन देने वाले जो महान व्यक्ति हैं जब्बार अन्ना अरब, सलीम शेख, जक्कप्पा पुजारी, वाहिद मकानदार, अबू ग्यास, दिवगंत शिवपुत्र पश्रकनली और अबू ग्यास, आज जो खाने का इंतजाम दिया गया है, आज जो आखिरी मैच का मुकाबला चलता हुआ, और साथ ही साथ शिव बगली जिन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान, जिन्होंने आज पैसों की बारिश की है प्रति एक को, और साथ ही साथ हर कॉमेंट्रेटर को उन्होंने 1,000 रुपए से इनाम घोषित किया गया है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार शिव बगली जिन्होंने हर कॉमेंट्रेटर को 3,000 रुपए इनाम के तौर पर दिया गया है। शंकर अन्ना कामले जिन्होंने हैट्रिक विकेट लेने पर 3, और आप सब लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं अप्पू पाटिल, इनको देख सकते हैं, और साथ ही साथ शहनशाह जागीरदार को भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जिन्होंने अपने अंदाज में बेहतरीन कॉमेंट्री यहाँ पे 5 दिन लगातार अपनी कड़ी मेहनत के साथ जो अब योगदान दिया। और आए हुए मेहमान का भी मैं स्वागत करता हूँ, संदेश पाटिल सर का भी मैं बहुत 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 बधाई देता हूँ, YouTube 24 लाइव इवेंट्स के जो मालिक हैं और जो ऑपरेटर हैं खंडे, उनको भी मैं बहुत बहुत जो आए हुए जो दर्शक हैं जो मैदान से बाहर आए, मैच चालू हो रहा है, लाइन के बाहर खड़े, आए हुए दर्शकों का मैं विनती करता हूं वो जो लाइन से बाहर खड़े रहे, राजू अणूर हेस्कॉम डिपार्टमेंट इवर वतियिंद सतत 3 विकेट 3 सिक्स 500 रुपए। और इसी के साथ पारी की शुरुआत चलते हुए बीच मैदान में 70 रनों का लक्ष्य दी है दुलकर सिंह ने बनाने के लिए, और स्ट्राइक पर है इब्बो और नॉन स्ट्राइक पर है संतु अणूर, और पारी की सलामी बल्लेबाज इस बीच मैदान में आते हुए कंटिन्यू डॉट है। पारी की शुरुआत चलती हुई दुलकर के द्वारा इब्बू मारने की कोशिश, एम्पायर का इशारा था वो वाइट, एम्पायर का इशारा था वो वाइट, आते ही खराब शुरुआत
अभी है पूरा कैमरे सर हेड सर टीम पूरा टीम को हां ये तो वापस देना नहीं और ये देखो कृष्णा पावर अपने कोटे का पावर लेकर पहली गेंदबाजी की थमाते हुए अपनी आती अतिरिक्त रन देते हुए एक रन के साथ व्हाइट के साथ टीम का बढ़तावा स्कोर जा पहुंचा एक रन बिना कोई विकेट खो हुए नूरानी सीसी के सलामी बल्लेबाज इब्रो जो काफी आक्रमण बल्लेबाजी कर लेते हैं आते ही ये खतरा हो सकता था बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगते हुए इनके जाने से 500 रुपए का इनाम दिया गया है अभी और उनके टीम के जो है लीडर संदेश पाटिल सर इनको उनके हाथ से दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पान शॉप इनके जाने से डोटेड जो लाइव यूट्यूब लाइव 24 इवेंट चैनल के टीम है इनको 500 रुपए का इनाम जो है वो देते हुए उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद संदेश पाटिल एंड टीम पारी की शुरुआत चलते भी कृष्णा पावर के द्वारा 70 रनों का लक्ष्य दिया है 36 गेंदों में एक रन तो हो चुका है फिर से बेहतरीन गेंदबाजी इब्बू के मारने की कोशिश कवर की दिशा में खेला गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार करते हुए कृष्णा सात कुत्ते फील्डिंग की कोशिश की अंपायर का इशारा 4 रन आता हुआ हैट्रिक सिक्स लगाने पर इरशाद तांबा के जानिब से 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया है इब्राहिम के लिए पारी की शुरुआत चलते हुए 13 रन हो चुके हैं पहले ओवर प्रगति पर है राजू आलूर हाईस्कॉम उनके जानिब से हैट्रिक विकेट लेने पर 500 हैट्रिक सिक्स लगाने पर 500 हैट्रिक डॉट करने पर 100 रुपए तीन बॉल डॉट करेंगे तो भी 100 रुपए का इनाम रखा गया है तीन हैट्रिक चौके लगाएंगे तो और ये विकेट गिरता हुआ अंपायर का इशारा विकेट इब्बू उनके लिए एक ऑफर था तीन चौके लगाने पर महबूब जागीरदार की तरफ से 500 रुपए का इनाम रखा गया था लेकिन उसके दावेदार नहीं बन जाए इब्राहिम आते ही जो बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत ही चल रही थी मैदान पर हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपए और जब्बार मिस्त्री इनके जाने से भी हैट्रिक विकेट पर जो है 1000 रुपए इनाम हमारे यहाँ पहुंच चुके हैं कमेटी के पास कमेंटर बॉक्स में पहुंचा दिया गया है ये इनाम हैट्रिक विकेट लेने पर दो इनाम है नदाब पंचायत सलमान नदाब की तरफ से और जब्बार मिस्त्री ये भी धुलकेड़ के हैं दोनों इनके दोनों की जानेब से 1000 रुपए और जो इस
दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ नूरानी वर्सेस अब्दुल खेड़ के दौरा, जो एक लाख का जो यूट्यूब लाइव मैच चलता हुआ, जो जो यूट्यूब लाइव के जो देने वाले योगदान है मुश्ताक नाइकोडी और शिवानंद कुड़ीगनूर, जिन्होंने इस यूट्यूब के लिए जो आयोजित किया घोषित किया गया, उनका योगदान बहुत ही रहा है। और साथ ही साथ एक लाख रुपए का जो इन्हें देने वाले महान व्यक्ति शिव बगली, जिन्होंने एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जो फाइनल मैच में जो भी अपना दावेदार बनेगा। और जो दूसरा प्राइज देने वाले कमेटी 50,000 नूरानी क्रिकेट के जानिब से। और सबसे बड़ा योगदान जिनका है सिद्धू निचाल, जिन्होंने इस ट्रॉफी को अपना मैदान दिया है, उनको कमेटी के जानिब से स्वागत किया जाता है। कृष्णा सातपुत की गेंद, कृष्णा सातपुते की गेंद आती शॉर्ट ऑफ डिलीवरी, रिवर्स मारने की कोशिश संतु वालूर, बल्ले का कोई तालमेल नहीं होता, विकेट के ऊपर की दस्तानों में जाती हुई गेंद। 29 बॉल्स 57 रन्स, 29 गेंदों में 57 रनों की जरूरत। फिर से एक बार कृष्णा सातपुते, बाप कितनी स्पीड, बुलेट की तरह गेंद आती है, रन आउट हो सकता है, खतरा, अंपायर का इशारा आना बाकी है। बहुत ही बेहतरीन थ्रो आता हुआ फॉलर थ्रो में, अंपायर का इशारा नॉट आउट। काफी बेहतरीन गेंदबाजी कृष्णा सातपुते के द्वारा देखने को मिल रही है बीच मैदान में। और रोज जो खाने का इंतजाम देने वाले महान व्यक्ति हैं सलीम शेख, जब्बर अन्ना अरब, वाहिद मकानदार, जक्कप्पा पुजारी, अबू ग्यास, स्टपट कर मारने की कोशिश, उतनी बेहतरीन गेंदबाजी, काफी अनुभवी गेंदबाज हैं कृष्णा सातपुते, जो पुणे से बुलाया गया है उनको आज इस चमत्कार बताते हुए इस नूरानी स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ मैदान, दर्शक इस मैच का खुशियां। मंजुनाथ ईमानदार कोट हजार के इलाके, इनके जानिब से बाहर जो प्रेक्षक है एक चार पर 100 रुपए के नाम घोषित किया है। फिर से एक बार दूर वाली छोर से गेंद को उठाकर मारा है, स्क्वायर लेग की दिशा में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, दो बाउंस होते हुए गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार करते हुए चार रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन एक विकेट के नुकसान पे। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ इसको जा पहुंचा है 19 रन एक विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन गेंदबाजी कृष्णा सातपुते की, जो आती अपने कोटे में सिर्फ 6 रन देकर मजबूती के साथ अपनी टीम को बढ़ावा देते हुए कृष्णा सातपुते, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पे खचाखच भरा हुआ इस मैदान, विनोद है एक कौन नाम नजीर चर्चानकर, जिन्होंने विनोद के लिए एक छक्के लगाने पर 100 रुपए का इनाम रखा गया है। विनोद के लिए 24 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता, प्रत्येक सिक्स पर 200 रुपए वाहिद मकानदार के जानिब से, कोई भी बैट्समैन लगाए पर सिक्स 200 रुपए, प्रत्येक सिक्स पर 200 का इनाम वाहिद मकानदार के जानिब से। फिर से एक बार पारी की शुरुआत चलते हुए बीच मैदान में, काफी रोमांटिक मैच होता हुआ, दर्शक भी आज रविवार है, रविवार की मजाएं हवाएं लेते हुए, धूप तो चली गई है, काफी
रोमांटिक मैच चल तब इस मैदान में। कृष्णा पावर आए हैं अपने कोटे का, दूसरा ओवर लेकर टीम के जानिब, तीसरा ओवर लेकर पावर ऑफ हिटर। फिर से एक बार कृष्णा पावर लाइन एंड से गेंदबाजी करते हुए रिवर्स मारने की कोशिश। संतोष विनोद के लिए YouTube Live जो 24 इवेंट चैनल है, इनकी सेवा से जो प्रसन्न होकर खुश होकर आसिफ वेल्डिंग वर्क बोलकेट इनके जानिब से यानी जब्बार मिस्त्री इनके जानिब से ₹1000 इनाम जो है दिया जा रहा है। संदेश एंड टीम उनमें से कोई एक आकर स्वीकार करें। इनका जो सर्विस है, सर्विस से खुश होकर 24 इवेंट चैनल इनसे सर्विस से खुश होकर आसिफ वेल्डिंग वर्क बोलकेट जब्बार मिस्त्री इनके जानिब से ₹1000 इनाम घोषित किया गया है, जो दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं उनको। फिर से एक बार कृष्णा पावर दुर्वाले चोट से संतोष के लिए ये तो ऐसे याद दिला रही है दिलशान श्रीलंका की टीम के पल्लो शॉट मारते हुए। आज इस सेकंड सेमीफाइनल में पल्लो शॉट लगाते हुए संतोष हसन इस चार रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन एक विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर पर गति पर चलता हुआ फिर से एक बार संतोष पल्लो शॉट लगाकर बेहतरीन अंदाज में बैटिंग का मुजरिया बताते हुए लोग पैसों से निछावर करते हुए। फोर टीवी न्यूज जो रिपोर्टर हैं हसन मकानदार इनके जानिब से 24 चर्चन के इनको जो 24 इवेंट ये टीम को जो ₹500 इनाम दिया जा रहा है उनका हम धन्यवाद अदा करते हैं। जो बाहर प्रेक्षक कैच पकड़ेंगे मंजुनाथ ईमानदार तोटगारे के इलाके इनके जानिब से ₹100 प्रेक्षकों का कैच पकड़ने पर आउट ऑफ ग्राउंड। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कृष्णा पावर अपनी पावर हिटिंग के बॉलिंग के मजरिए से दिखते हुए इस मैदान में काफी अनुभवी गेंदबाजी। यहाँ पे नूरानी स्टेडियम में चलता हुआ जो सेमीफाइनल मुकाबला दोनों टीमों के बीच चलता हुआ काफी अनुभवी एक विकेट तो हासिल कर चुके हैं अपने दूसरे ओवर में 24 रन पर रुका हुआ स्कोर एक विकेट गिर चुका है नूरानी सीसी का। अभी स्ट्राइक पर है संतोष चव्हाण जो माने जाने वाले एक हार्ड हिटर माने जाते हैं अपने टीम के लिए। आतिशबाजी की शुरुआत चलते हुए देखेंगे क्या कर सकते हैं संतोष पवार की गेंद पर। जैसे ही मैंने कहा गेंद को उठाकर मारा है वहां पे गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार करते हुए 6 रन। और जो इस ट्रॉफी को जो ऑर्गेनाइज करने वाले शुन्नूर सर और आसिफ सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए जिन्होंने पहली बार जो इंडी शहर में यूट्यूब लाइव मैच खेलना दिखाया खेलकर इस मैदान पर शुन्नूर सर और आसिफ सर का स्वागत। प्रशांत पुजारी हैट्रिक विकेट पर ₹1000 प्रथम दर्जे गुत्तेदार फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके जाने से घोषित किया हैट्रिक विकेट। फिर से एक बार स्टपोर्ट कर मारने की कोशिश बल्ले का कोई ताल और मेल नहीं गेंद जब तक विकेट कीपर की दस्तान में जाती कोई रन नहीं आता वह टीम का रुका स्कोर अभी तक 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। यहां पे सबसे बड़ा योगदान जो लगातार 3 दिन से 5 दिनों तक यह चलता हुआ मुकाबला कॉमेंट्री भी उतनी बेहतरीन चलती हुई विट्टल कर्नाटक जिन्होंने बाहर का दर्शक कोई भी कैच पकड़ेगा उसको ₹500 का इनाम रखा गया है। सोमू गौड़ा पाटिल हैट्रिक विकेट लेने पर ₹1001 का इनाम। राजू आड़ू रेस्कॉम जिन्होंने हैट्रिक 6 पर ₹500 का इनाम रखा है हैट्रिक विकेट पर ₹500 का इनाम हैट्रिक डॉट पर भी ₹100 का इनाम रखा है।
डायरेक्ट ऑल कर्नाटक, जिन्होंने जो कोई भी दर्शक बाहर से कैच पकड़ेगा 100 रुपए का इनाम रखा गया है। 34 लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर थ्री ओवर 34 लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर थ्री ओवर 34 रन बंद होते ओवर नंतर ये ज्यादा हो रहा 34 रन 3 ओवर की समाप्ति पर, अभी भी 3 ओवरों का खेल बाकी, 18 गेंदों में 36 रनों की जरूरत ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ 18 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। बुरान सीसी को इस पारी की शुरुआत बहुत ही अच्छी अंदाज में चलती हुई, तीन ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। जो इस संगमेश्वर बगली, जिन्होंने हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपए का इनाम रखा गया है, टाकली महाराष्ट्र, संतोष लाड जिन्होंने हैट्रिक विकेट लेने पर 3000 रुपए का इनाम रखा गया है, मंजुनाथ ईमानदार इन्होंने बाहर कैच लेने पर 100 रुपए का इनाम रखा गया है, विट्टल कर्नाटक इन्होंने भी 100 रुपए का इनाम रखा गया कैच लेने पर, सोमू गौड़ा पाटिल हैट्रिक विकेट लेने पर 2000 रुपए का इनाम रखा गया है। यहाँ पे बख्शीश ही बख्शीश आए हैं, और कृष्णा सातपुते अभी एक गेंद डॉट करेंगे तो आप 100 रुपए के हकदार बनेंगे, क्योंकि पिछले आप 2 गेंदें डॉट किए थे, आते ही डॉट करेंगे तो राजू आलूर उनके जानिब से 100 रुपए का इनाम रखा गया है आपके लिए, आपकी पहली गेंद डॉट होगी तो 100 रुपए के हकदार बनेंगे। अभी भी टीम का रुका हुआ स्कोर, थर्टी फोर रन हो चुके हैं। प्रभु नाटिकार इन्होंने भी 2000 रुपए का इनाम रखा गया हैट्रिक विकेट लेने पर, नदाफ इलेक्ट्रॉनिक्स पान चॉप सलमान नदाफ हैट्रिक विकेट पर 1000, जब्बर मिस्त्री हैट्रिक विकेट पर 1000, बहुत ही बेहतरीन 100 रुपए के हकदार बने हैं कृष्णा सातपुते 3 डॉट पर राजू आलूर के जानिब से, हेस्कॉम 100 रुपए उसे दो कृष्णा सातपुते का, फिर से एक बार बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजरिया इस बीच मैदान पर देखने को मिल रहा है, कृष्णा सातपुते बहुत ही शानदार सूझबूझ की गेंदबाजी करते हुए, दूसरे ओवर प्रगति पर चलता हुआ उनके कोटे का, कर्नाटक विट्टल जिन्होंने हैट्रिक विकेट लेने पर 500 रुपए का इनाम रखा गया है, जरा ये संदेश दे दा। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 16 गेंदों में 34 रनों की जरूरत, उठाकर मारने की कोशिश विनोद, उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी कृष्णा सातपुते की गेंद जो मीनार से तीर निकलती हुई विकेटकीपर की दस्तानों में जागिरी, कोई भी रन नहीं आता हुआ, गोली की रफ्तार, गेंद चलती हुई कृष्णा सातपुते, विनोद है स्ट्राइक पर, विनोद छक्का लगाएंगे तो 100 रुपए के हकदार बनेंगे, एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइट, इस वाइट के साथ टीम का बर्ताव स्कोर जहां पहुंचा है 37 रन 15 गेंदों में 33 रनों की जरूरत, 15 बॉल 33 रन चाहिए जीतने के लिए नूरानी सीसी को, ये दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ, थोड़ी ही देर में फाइनल का मुकाबला होगा, कहीं मत जाइएगा, पिक्चर अभी बाकी है। बल्ले का बाहरी किनारा लिया, कैच की ट्राई करते हुए कैच आउट होते हुए विनोद, बड़ा ऑफर, कोई भी विकेट लेगा तो 500 रुपए का दावेदार बनेगा, सर
शानदार पारी की शुरुआत चलते हुए कृष्णा सातपुती की सूझबूझ की गेंदबाजी, विकेट लेते हुए बार बार टीम के अंदर मजबूतियां लाते हुए टीम के अंदर कुछ फिर से एक बार दूर वाले चोर से संतोष है स्ट्राइक पर उठा कर मारने की कोशिश, बल्ले का निचली हिस्सा लगता हुआ, बेहतरीन गेंदबाजी कृष्णा सातपुते की दौर से देखने को मिल रही है। यहां पे काफी सूझबूझ की गेंदबाजी, काफी तेरह गेंदों में 33 रनों की जरूरत, 37 रन बन चुके हैं। काफी लगाम से बांधती हुई उठाकर मारा है, वहां पे क्षेत्र रक्षक मौजूद है, कैच हो सकता है और ये आउट। संतोष के रूप में एक बड़ा झटका लगता हुआ नूरानी सीसी को, संजू इवरी संजू स्वल्प सरस बिड़ो दयवि नहीं इवरी सरसु हाँ जो सामने खड़े हुए कैमरे के अंदर कोई आ रहा नहीं है, कैमरे के अंदर आ रहे हैं आप लोग, थोड़ा हट जाओ हट जाओ हट जाओ थोड़ा हट जाओ भाई। बारह गेंदों में 33 रनों की जरूरत, काफी डीप में अंदर जाती हुई नूरानी सीसी मजबूती के साथ बंधी हुई रस्सियों के साथ डटी हुई ज्यादा तालों से उनको चाबियां डालते हुए पकड़ लाते हुए दुलकर सीसी ने रेव्यू रेव्यू कर इलेक्ट्रिकल इनके जानिब से कोई भी ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬಕ್ಷಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಹಾ, ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಸೇ ವಿನಂತಿ ಕೀ ಜಾತಿ ಹೈ ಬಕ್ಷಿಶ್ ಆಪ್ ಬಂದ್ ಕೀಜಿಯೇ, ಆಪ್ಕೋ ಪೈಸಾ ದೇನಾ ಹೋ ತೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇ ಜಾಕೆ ದಿಯೇ ಉನ್ಕೋ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯಹಾಂ ಪೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಇಸಿಲಿಯೇ ಆಪ್ ಮತ್ ಆಯಿಯೆ ಯಹಾಂ ಪೆ। ಅಭಿ ಭೀ 12 ಗೇಂದೋ ಮೇ 33 ರನೋ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಹೈ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪರ್ ಆಯೆ ಹೈ ರಾಜೂ ನದಾಫ, 12 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। सदतीस रन बन चुके हैं, 3 विकेटें गिर चुकी हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी आए हैं राम शिंदे जिन्होंने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी किए थे, काफी मजबूती के साथ बंधी हुई नूरानी सीसी की टीम काफी अपने ऊपर डिफेंस लेते हुए अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर लेते हुए राहुल शिंदे छोटा रन अप है, उतने ही हार्ड हिटर माने जाते हैं राजू नदाव फ्रॉम लच्छन, आते ही ब्लॉकल डिलीवरी स्क्वायर लेग की दिशा में मारने की कोशिश, एक रन से अपना खाता खोलते हुए टीम का इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचे 38 रन, 11 गेंदों में 32 रनों की जरूरत। काफी मुश्किल क्रिकेट है, मुश्किल नहीं कह सकते, पल्ला किधर भी पलट सकता है, पारी का इतिहास में तो क्रिकेट का कहीं नाम नहीं है, कभी भी पलटा पल सकता है, सिक्के को उड़ाने पर सिक्का बदल सकता है, वैसे ही पारी की शुरुआत चलते हुए भी स्ट्राइक पर है गौस, फुल टास गेंद को उठाकर मारा स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार करते हुए 6 रन।
और जो इस क्रिकेट को देने वाले जो जगह योगदान सिद्धू निचाल सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ ही साथ सिद्धराम तांबे, उन्होंने भी अपने जगह इस क्रिकेट के लिए दिया है कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और 1 लाख जो बड़ी ट्रॉफी देने वाले जो महान व्यक्ति शिव बगली, जिन्होंने 1 लाख का इनाम दिया गया है, जो रनर अप रनर विनर होगा। फिर से एक बार फुल टॉस ड्रेवरी को सूझबूझ की पारी। अच्छी रनिंग करते हुए लच्छन बुड्डू, अभी भी 9 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। कृष्णा सात पुते फील्डिंग के लिए तब्दील करते हुए, ऐसे लग रहा है शायद उनके टीम के लिए जिताना है उनको, फाइनल में प्रवेश करने का उन्होंने ठांट कर आए हैं। लॉन्ग आन की दिशा में आए हैं फील्डिंग के लिए, क्या कर सकते हैं, फील्डिंग में तब्दीली लाती हुई। फिर से एक बार रामचिंदे, एम्पायर का इशारा, वाइट का अतिरिक्त रन आता हुआ। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ इसको जा पहुंचा है 47 रन, 47 लॉस ऑफ 3 विकेट, 9 बॉल्स, 23 रन्स। अरुण पाटिल आए हैं शायद कुछ गुप्तगु करते हुए, राम शिंदे को कुछ बताते हुए। ऐसे ही फिर से एक बार राम शिंदे की अगली गेंद, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया कृष्णा सातपुते, यहां पे फील्डिंग चेंज कर आए और ये कैच आउट। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ गौस के रूप में, काफी सूझबूझ की बल्लेबाजी चल रही थी, 8 गेंदों में 23 रनों की जरूरत, काफी ज्यादा प्रेशर डालते हुए, अपने ऊपर प्रेशर लेते हुए नूरानी सीसी की जो इतनी मजबूती के साथ डटी हुई और बांधी हुई टीम है, 8 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता चाहिए। दुलखेड़ के टीम की जितनी भी दाद दें वो कम है, तारीफ करें उतनी ही कम है। कृष्णा सातपुते आते ही कीपिंग के साथ जो आकर अपनी लॉन्ग ऑफ के दिशा, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग की, आते ही उनकी दौरा कैच होते हुए अभी स्ट्राइक पर है राजू नदाव। उतनी अच्छी बेहतरीन फील्डिंग का वहां पे स्क्वायर लेग की दिशा में शंकरू कामले की तरफ से 2000 हैट्रिक विकेट लेने पर कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाएगा। रेउरकर इलेक्ट्रिकल 100 रुपए का इनाम, कोई भी छक्का लगाएगा तो राम शिंदे। फिर से एक बार 7 गेंदों में 22 रनों की जरूरत चाहिए, 48 रन बन चुके हैं अभी स्ट्राइक पर है प्रथमेश। लेफ्ट आर्म बैट्समैन ऑन टू द स्ट्रेच, माफ करें, स्ट्राइक पर है प्रथमेश। गौस की जगह लेने गए हैं, अभी भी 7 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। राम शिंदे उतनी सूझबूझ की गेंदबाजी करते हुए, काफी अनुभवी गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान में। कितना साइलेंट क्राउड है, क्राउड ऐसे लग रहा था जैसे कि बादल गड़क रहा था, बिजलियां चमक रही थी इस मैदान में, खामोशी के साथ मैच चलता हुआ, दिल के अंदर धक 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 करते हुए
किसको हाट आएगा काजल और जिसके पास ले जाने की जरूरत राम शिंदे। इस मैदान में टोरंटो के मैदान में लाखों भरी दर्शक इस मैच का खुशियां लाते हुए मैदान में अंपायर का इशारा नो बॉल प्रथमेश रन आउट का खतरा हो सकता है प्रथमेश नो बॉल का फायदा था प्रथमेश को फ्रीड अंपायर के द्वारा एक ऑफ पर एक फायदा मिलता हुआ इस फायदे का कितना लाभ उठा सकते हैं स्ट्राइक पर है राजू नदाफ अपने बल्ले से कोई भी चमत्कार नहीं बता रहे इस मैदान में काफी साइलेंट चलता हुआ थर्ड एम्पायर को दिया गया है रिव्यू ओके जस्ट वन सेकंड चेक इट योर नो बॉल ओके ओके ब्रदर हाय हाय साइड लाइन करो बोलो
हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ, एक काफी अनुभव भी अंपायरिंग करते हुए 50 रन बन चुके हैं, 4 विकेटें गिर चुकी हैं, 7 गेंदों में 20 रनों की जरूरत, काफी मजबूती के साथ जो बल्लेबाजी करते हुए अभी इस फ्री हिट का कितना लाभ उठा सकते हैं, इस फ्री हिट में 6 रन या 4 रन या कितने रन ले सकते हैं राजू नदाफ। राजू नदाफ एक छक्का लगाएंगे तो वाहिद मकंदर की जानिब से 1000 रुपए का इनाम। यार कोई डिलीवरी पे मारा है, यहाँ पे कोई भी क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं है, जब तक फील्ड होता है खतरा रन आउट का हो सकता है, और ये चौस मिलता हुआ, 2 रन पूरे मुकम्मिल। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 52 रन, 5 विकेट के नुकसान पे, 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत, आरु यसेता 18 रन गेलुके, साहा बोल 18 रन पाजे जिंकायला, में 18 रनों की जरूरत, मजबूती के साथ और हमारे संदेश पाटिल सर ने जो 24 लाइव इवेंट्स के जो ऑर्गेनाइज हैं बहुत ही बेहतरीन क्लैरिटी दे रहे हैं, काफ़ी उनका जहां कहीं भी हो उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि यहां पे पहली बार इंडी शहर में जिन्होंने लाइव 24 लाइव इवेंट्स का जो इन्होंने कैमरा सेटअप किया है, कितनी HD हाई HD यहां पे उन्होंने क्लियरली दिखा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश पाटिल सर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे उनका कांटेक्ट नंबर भी बताया जा रहा है, संदेश पाटिल सर का 8108999009, और उसके साथ मिलिन चा घाट 8879898300803। क्रॉड तो नहीं होता हुआ, भाई लोग क्रॉड करिए, आखिरी ओवर है, 18 रन की जरूरत है, अब कीजिए काफी मजबूती के साथ जो उनके ऊपर प्रेशर डालते हुए। इसके बाद फाइनल होने वाला मुकाबला है, आखिरी ओवर लेकर आए हैं अरुण पाटिल, खुद लेकर आए हैं कप्तान इस टीम के। प्रथमेश ने आते ही गेंद को सीधा लॉन्ग ऑफ के दिशा में मार दिया, 6 रन, गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार करते हुए। और मैच कोई भी जीते, मैच कोई भी जीते, दर्शक मैदान में राजा है। दूसरा बॉल दो, दूसरा एक बॉल दो एक्स्ट्रा, 5 गेंदों में 12 रनों की जरूरत, 5 गेंदों में 12 रनों की जरूरत, काफी रोमांटिक मैच चलता हुआ, रोमांचक मैच चलता हुआ, सिर्फ 5 गेंदों में 12 रनों की जरूरत चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, जो जो कोई भी मैच जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा, और कोई भी मैच जीते मैदान में ना जाए, कृपया करके विनती है आपसे। और ऐसे मैच चलता हुआ इस मैदान में दोनों टीमों की हार्ट बीट्स शायद 120 की स्पीड से चलती हुई, डग डुक डग डुक डग डुक डग डुक, कौन जीतेगा
स्पार्क में जो फाइनल में प्रवेश करेगा। फिर से एक बार अरुण पाटिल, 5 गेंदों में 12 रनों की जरूरत, क्या कर सकते हैं प्रथमेश काफी। काफी प्रेशर डालते हुए अरुण पाटिल के ऊपर प्रथमेश लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हुए, कृष्णा सातपुते कीपिंग करते हुए, एम्पायर का इशारा तब्बा व्हाइट। इस व्हाइट के साथ 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत, काफी बेहतरीन मुकाबला होता हुआ, बहुत ही अच्छा। अभी भी चीयर अप होता हुआ, कम ऑन गाइस, कम ऑन फैंस, चीयर अप ज्यादा, जितना आप क्राउड करेंगे उतना लंबा चक्का लगेगा। राजू नदाफ की तरफ से फिर से एक बार अतिरिक्त आता वहां पर गए शरफ व्हाइट, पांच गेंदों में 8 रनों की जरूरत, और सभी दर्शकों से विनती है जितने के बाद कोई भी हो मैदान में ना जाए, जीतने के बाद कोई भी मैदान में ना जाए। सभी दर्शकों से विनती है जो मैच कोई भी जीतेगा, जिसके भी पल्ले में आएगा, आप लोग मैदान में ना जाए, इसके बाद फाइनल होना बाकी है। पांच गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता, अरुण पाटिल फिर से एक बार वाइड डालते हुए, काफी प्रेशर में डालते हुए, काफी लाइन को भटकते हुए गेंद, 7 रनों की जरूरत, 5 गेंदों में 5 गेंदे 7 रन। प्रथमेश काफी मजबूती के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, 6 रनों, क्या कर सकता है अरुण पाटिल की अगली गेंद प्रथमेश के लिए, 2 रन की मांग की है, 2 रन का कॉल किया है, क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है ये, 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। सबका दिल जीतने वाले कौन है, किसने इस मैच को जिताएंगे, चीयर अप चीयर अप चीयर अप, कम ऑन दुलकेट की टीम वाले भी चीयर अप करें, नूरानी वाले भी चीयर अप करें। फिर से एक बार 4 गेंदों में 6 रन की जरूरत, चार रन, 3 गेंदों में 2 रनों की जरूरत, come on let's dance। ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಡದು, ದಯವಿಟ್ಟು 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ರನ್, 3 ಗೆಂದೊಮ್ಮೆ 2 ರನ್, ಜರುರತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಹೋತವ ರಾಜು ನದಾಫ್ ಕಾ, ये रन आउट हो सकता है और आउट, 2 गेंदों में 1 रन, दो गेंदों में 1 रन की जरूरत, काफी रोमांचक मैच चलता हुआ इस नूरानी स्टेडियम में, फाइनल में प्रवेश कौन कर सकता है आखिरी गेंद पर पता चलेगा। वैलेंटियर्स कमेटी के वैलेंटियर्स, कमेटी के वैलेंटियर्स सबको संभालिए, कमेटी के वैलेंटियर्स यहां पे जमा मत हो, सब लोग अपनी अपनी जगह ले ले, कमेटी के वैलेंटियर्स प्रेक्षकरे ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಬೌಂಡರಿ ಗರೆನ ದಾಟಿ ಬರಬಾರದು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಯಾರು ಬೌಂಡರಿ ಗರೆನ ದಾಟಿ ಬರಬಾರದು, ಕಾಫಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, किस अंदाज में चेंज हो गया किसी को पता नहीं चलता, आती तूफानी पारी प्रथमेश
मैच का पल्ला पलटते हुए खींच करने वाला मुंह से खींचते हुए नूरानी सीसी। दो गेंदों में एक रन की जरूरत, दो गेंदों में एक रन की जरूरत, क्या कर सकते हैं अरुण पाटिल। मैच तो विकल हो चुकी है, मैच विकल हो चुकी है, लेवल हो चुकी है, तो सिर्फ ये मैच अपने ताबे में ले। दोस्तों मेरे मित्रों, मैदान में ना ला जाए, मैच नूरानी सीसी के कब्जे में आते हुए मैच विन बाय नूरानी सीसी। सभी दर्शकों से विनती है, चलो जी खाने जी चलो। दादा हमका तो ना सब न्यू मार्ट ना उटक मारो मॉडल ना 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 बोल रहा हूं बैटर का बूढ़ा आ गया। सभी प्रेक्षकों से विनती है, मैच आधे घंटे के बाद प्रारंभ होगा, आधा घंटे तक रेस्ट करें, खाना खाने वाले खाना खाकर आए, जो नहीं खाए हवा सिरी हवा में बैठकर ठंडी छाव के अंदर एसी ले। एक साइड में मैच, चलो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो घोषित करा रहे प्रथमेश, जिन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और एंड टाइम पे छक्का लगाया, और इतनी ऐसी पोजीशन थी जब 6 रन लगाए। डीजे कम ऑन डीजे।